आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू क्वेश्चन के ऊपर है। दोस्तों यह हमारे इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज का दूसरे नंबर का वीडियो है। हमारी इस सीरीज और इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ 5 से 6 मिनट के अंदर इलेक्ट्रिशियन इंटरव्यू के अंदर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों के ऊपर बात करेंगे, तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा पहला सवाल है, सीरीज और पैरेलल कनेक्शन क्या है? तो इसका जवाब काफी सिंपल सा है। सीरीज कनेक्शन के अंदर आपको बोलना है, अगर हम सिर्फ एक सप्लाई वायर से कई उपकरण को जोड़कर चलाते हैं तो वह हमारा सीरीज कनेक्शन कहलाता है। ये कैसे होता है आपको बताऊंगा, और साथ साथ पैरेलल कनेक्शन में आपको यह लाइन बोलनी है, अगर हम सभी उपकरण पर्सनली सप्लाई वायर से कनेक्ट करते हैं तो वो हमारा पैरेलल कनेक्शन कहलाता है। अब इसको आप समझ लीजिए। दोस्तों देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास एक ये बल्ब है, ये बल्ब है और ये तीन बल्ब है। इसी तरह मेरे पास यहां पे भी टोटल तीन बल्ब है। अब दोस्तों इसके बाद में इन तीनों बल्ब को चलाने के लिए मेरे पास ये फेस और न्यूट्रल सप्लाई है, और इधर के तीन बल्ब को चलाने के लिए मेरे पास ये फेस और ये न्यूट्रल सप्लाई है। अब अगर मैं इस सीरीज कनेक्शन में जोड़ूंगा इस बल्ब को, तो इसमें लिखा हुआ है अगर हम सिर्फ एक सप्लाई वायर से ही कई उपकरण को जोड़कर चलाते हैं तो वह सीरीज कनेक्शन कहलाता है। तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ ये एक फेस वायर को ले जाऊंगा और इस बल्ब से जोड़ दूंगा, और फिर बाद में क्या करूंगा, ये जो बल्ब है इस बल्ब को दूसरे पॉइंट से, इस बल्ब को दूसरे पॉइंट से, दूसरे बल्ब के पॉइंट से ऐसे जोड़ के, और आखिरी में जो पॉइंट बचेगा उसको मैं जोड़ दूंगा न्यूट्रल के साथ में। इधर तीन बल्ब के अलावा चार पांच जितने भी बल्ब है वो सब बल्ब ऐसे ही कनेक्ट होंगे, ठीक है? तो ये हो गया हमारा सीरीज कनेक्शन। मतलब हमको दिख रहा है कि हमने सिर्फ एक सप्लाई के वायर को उपयोग में लिया और हमने कई सारे उपकरण को चला दिया। तो ये हो गया हमारा सीरीज कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन की बात करें तो पैरेलल कनेक्शन काफी सिंपल सा है। इसमें लिखा हुआ है अगर हम सभी उपकरण को पर्सनल सप्लाई वायर से कनेक्ट करते हैं तो वह पैरेलल कनेक्शन है। तो क्या है, हमारा ये बल्ब है, इस बल्ब को मैं फेस ले जाके दूंगा और न्यूट्रल ले जाके दूंगा, दूसरे बल्ब को भी इसी तरह मैं फेस भी दूंगा और न्यूट्रल भी दूंगा, तीसरे बल्ब को भी मैं पर्सनली फेस भी दूंगा, ये फेस भी ले गया और ये न्यूट्रल भी ले गया। मतलब तीनों के लिए मैं जो फेस सप्लाई है तीनों बल्ब के पास में ले जाके जोड़ूंगा, जबकि इसके अंदर मैंने क्या किया, तीनों बल्ब को आपस में सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो ये होता है हमारा सीरीज कनेक्शन और ये होता है हमारा पैरेलल कनेक्शन। अब दोस्तों सीरीज पैरेलल कनेक्शन का एक मैं उदाहरण दे दूं, तो दिवाली के अंदर आपने आपके घरों के अंदर उपयोग आने वाली एलईडी को जरूर देखा होगा, उसमें कई सारी छोटी छोटी एलईडी जुड़ी होती है। तो वो जो होती है दोस्तों वो हमारी सीरीज कनेक्शन के अंदर जुड़ी होती है। अगर उसके अंदर हमारा सिर्फ एक ये एलईडी खराब हो जाएगी ना, तो बाकी की जितनी भी एलईडी है वो सारी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो कनेक्शन है वो कनेक्शन बीच में से टूट जाएगा। तो ये होता है हमारा सीरीज कनेक्शन। अगर हम पैरेलल कनेक्शन के उदाहरण की बात करें तो हम हमारे घर के अंदर जितने भी उपकरण को चलाते हैं, चाहे हमारे घर की टीवी है, चाहे हमारे छत का पंखा है, जितने भी उपकरण है वो सारे के सारे पैरेलल कनेक्शन से ही होते हैं। क्योंकि आप सभी ने देखा है हम हमारे फैन को एक फेस और एक न्यूट्रल देते हैं, हम हमारी टीवी को भी एक फेस न्यूट्रल देते हैं, हमारे मोबाइल चार्जर को भी एक फेस न्यूट्रल देते हैं, तो वो होता है हमारा पैरेलल कनेक्शन। अब दोस्तों पहले सवाल को जान लेने के बाद में अब हम हमारे दूसरे सवाल के ऊपर आते हैं। ये इलेक्ट्रिशियन से काफी ज्यादा पूछा जाता है। इसमें लिखा हुआ है कि हमारे रूम में किस साइज का सीलिंग फैन लगेगा, ये हमें कैसे पता चले? तो दोस्तों इसके लिए काफी सिंपल चीज है। हमको क्या करना पड़ता है, हमारा जो रूम है उस रूम का स्क्वायर फीट निकालना होता है। स्क्वायर फीट कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, हमारा जो रूम है उस रूम की जो साइज है उस साइज को हम सबसे पहले ऐसे नाप लेंगे और फिर बाद में साथ साथ ऐसे नाप लेंगे। तो जैसे मैं मान लेता हूँ कि हमारे जो रूम की साइज इधर 10 फीट है और इधर भी हमारे रूम की साइज जो है वो 10 फीट है, या फिर अभी मैं मान लेता हूँ ये हमारी 15 फीट है, तो मैं क्या करूंगा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो ये हो गया 15 × 10। तो ये मेरे को जो रूम की साइज होगी वो हो गई 150 स्क्वायर फीट। अगर आपका रूम 10 फीट ऐसे और 10 फीट ऐसे, तो 10 × 10 कर लेना है, तो 10 × 10 हो जाएगा हमारा 100 स्क्वायर फीट का हमारा रूम है। तो सीलिंग फैन की साइज निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे रूम के स्क्वायर फीट की साइज को निकालते हैं, तो वो हमने निकाल लिया। अब जैसा कि हम सभी को पता है हमारे जो सीलिंग फैन आते हैं 24 इंच के आते हैं, फिर 36 के आते हैं, फिर 48 इंच के आते हैं, और फिर लास्ट में हमारे 56 इंच के आते हैं। इन दोनों के बीच में हमारे 52 इंच का भी आता है, पर 52 इंच काफी कम उपयोग में लिया जाता है। और अगर मैं इस इंच के आगे इस पंखे के एमएम भी लिखूं, तो ये होगा हमारा 600 mm का पंखा, 48 इंच का होगा हमारा 1200 और 56 इंच का होगा हमारा 1400 mm का सीलिंग फैन। अब दोस्तों इसके बाद में इन चारों में से हम हमारे घर में कौन सा सीलिंग फैन को लगाए, दोस्तों हमने हमारे कमरे का स्क्वायर फीट को तो निकाल लिया, इस स्क्वायर फीट को देखते हैं हम सीलिंग फैन का सिलेक्शन करेंगे। हमारा स्टैंडर्ड चार्ट हमें यह बताता है कि अगर हमारे कमरे के स्क्वायर फीट 35 स्क्वायर फीट या फिर इससे कम है तो हम 24 इंच का सीलिंग फैन को लगाएंगे, मतलब 600 mm वाले। और अगर हमारे कमरे की साइज 35 स्क्वायर फीट से 65 स्क्वायर फीट के बीच में, तो हम 36 इंच के सीलिंग फैन, मतलब 900 mm की सीलिंग फैन को लगाएंगे। इसके बाद में दोस्तों अगर आपके कमरे की साइज 65 स्क्वायर फीट से 100 स्क्वायर फीट के बीच में है, तो आप क्या करेंगे, उस समय 48 इंच के सीलिंग फैन, मतलब 1200 mm के सीलिंग फैन को लगाएंगे। और अधिकतर घरों में हमको यही सीलिंग फैन देखने को मिलता है। अब दोस्तों इसके बाद में हम 56 इंच, मतलब 1400 mm के सीलिंग फैन को लगाते हैं जब हमारा जो रूम है उसकी साइज 100 स्क्वायर फीट से लेकर 225 स्क्वायर फीट तक की रहती है। और अगर हमारे रूम की साइज 225 स्क्वायर फीट से भी ज्यादा, तो हम क्या करेंगे, उस समय डबल सीलिंग फैन को लगाएंगे, एक ही रूम के अंदर हम दो सीलिंग फैन लगाएंगे। तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है।
अब दोस्तों नेक्स्ट हमारा तीसरा सवाल है जो कि है मोटर में सिंगल फेसिंग क्या होता है। तो दोस्तों ये काफी सिंपल सा आंसर है इसका। जैसे कि हम सभी को पता है हमारी इंडस्ट्री के अंदर जो मोटर लगाई जाती है वो हमारी थ्री फेज सप्लाई से चलती है। अब दोस्तों अगर किसी भी कारण से हमारी जो तीन फेज सप्लाई आ रही है वो थ्री फेज में से एक फेज सप्लाई कट जाए और हमारी जो मोटर है वो मोटर हमारी सिर्फ दो फेज पे ही रन हो जाए, तो वो जो कंडीशन कहलाती है वो कंडीशन कहलाती है हमारी सिंगल फेसिंग कंडीशन। मतलब कि मेरी मोटर के अंदर अगर कोई भी एक फेज मिस हो जाता है ना, तो वो जो कंडीशन होती है वो इसी कंडीशन को हम बोलते हैं सिंगल फेसिंग कंडीशन, और हम उसी को ही बोलते हैं कि हमारी जो मोटर है वो मोटर हमारी सिंगल फेसिंग हो चुकी है। और दोस्तों साथ साथ मैं आपको बता दूं ये जो सिंगल फेसिंग की प्रॉब्लम है ये काफी ज्यादा हार्मफुल है, ये हमारी मोटर की वाइंडिंग को पूरी तरीके से जला सकती है, खराब कर सकती है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमको मोटर के साथ में प्रोटेक्टिंग डिवाइस को लगाना चाहिए। और जैसे कि हम सभी को पता है हमारी कंपनी में जो ओवरलोड रिले उपयोग में ली जाती है वो ओवरलोड रिले हमको सिंगल फेसिंग मतलब एक फेस कभी कट हो गया तो उस समय हमको सुरक्षा देती है, तो इसलिए हम ओवरलोड रिले को लगाते हैं, वो हमको सिंगल फेसिंग से ही सुरक्षा देती है। अब दोस्तों नेक्स्ट है हमारा फोर्थ नंबर का सवाल जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई लोगों के मन में कंफ्यूजन भी पैदा करता है कि आखिर एचआरसी फ्यूज और नॉर्मल फ्यूज इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों अगर हम सबसे पहले एचआरसी फ्यूज की फुल फॉर्म की बात करें तो ये होती है हाई रैप्चर कैपेसिटी फ्यूज। तो दोस्तों इसके अंतर को समझना काफी ज्यादा आसान है। जैसे कि हम सभी को पता है हमारे जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं वो दो भागों में बटे होते हैं, नंबर वन होता है हमारे पावर सर्किट और नंबर दो होता है हमारा कंट्रोल सर्किट। अब दोस्तों जैसा कि हम सभी को पता है हमारा जो कंट्रोल सर्किट होता है उसके अंदर हमारा ज्यादा करंट फ्लो नहीं होता, उसके अंदर हमारा मुश्किल से 2 से 5 एम्पीयर ही करंट फ्लो होता है। तो इस जगह जहां पे 2 से 5 एम्पीयर ही करंट फ्लो हो रहा है मतलब काफी कम करंट फ्लो हो रहा है, यहां पर हम नॉर्मल फ्यूज को लगाते हैं। जबकि अगर हम पावर सर्किट की बात करें तो पावर सर्किट के अंदर हमारे काफी ज्यादा एम्पीयर फ्लो होते हैं, जैसे कभी 100, 250 या फिर इससे भी ज्यादा एम्पीयर फ्लो होते हैं। तो दोस्तों जहां पर इतना ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है तो वहां पर हम जो प्रोटेक्शन के लिए फ्यूज में उपयोग लेते हैं वो हम लेते हैं एचआरसी फ्यूज। तो अब आपको एक पॉइंट तो क्लियर हो गया कि हम पावर सर्किट के अंदर एचआरसी फ्यूज का उपयोग लेते हैं और कंट्रोल सर्किट के अंदर हम नॉर्मल फ्यूज का, पर आखिर इन दोनों में अंतर क्या है। तो दोस्तों इन दोनों फ्यूज के अंदर हमारा सिर्फ एक और काफी बड़ा अंतर है, वो है कि जैसे हमारा एक नॉर्मल फ्यूज है और नॉर्मल फ्यूज हम मान लेते हैं कि हमारा 10 एम्पीयर का एक फ्यूज है। अब दोस्तों जैसे हमारे सर्किट के अंदर 10 एम्पीयर से 11 एम्पीयर करंट फ्लो होगा तो ये हमारा फ्यूज उस 11 एम्पीयर को निकलने ही नहीं देगा, उसी समय जैसे हमारा 10 एम्पीयर से ज्यादा करंट हुआ उसी समय हमारा जो फ्यूज है ये फ्यूज ओपन हो जाएगा और हमारे सर्किट को ओपन कर देगा। पर जबकि अगर हम हमारे एचआरजी फ्यूज की बात करें तो ये एचआरजी फ्यूज क्या करता है, हमारे सर्किट को थोड़ी देर के लिए होल्ड रखता है, मतलब हमारे जो एम्पीयर है उस एम्पीयर को कुछ मिली सेकंड तक ये निकलने देता है। जैसे अगर हम उदाहरण की बात कर ले तो हमारे पास एक 10 एम्पीयर का एचआरजी फ्यूज है, तो अगर हमारी मोटर किसी भी कारणवश जैसे कोई इलेक्ट्रिकल जर्क आ गया तो उस समय अगर हमारी मोटर कुछ मिली सेकंड के लिए 12 एम्पीयर करंट ले लेती है तो उस समय हमारा जो एचआरजी फ्यूज है उस एचआरजी फ्यूज हमारे सर्किट को बंद नहीं करेगा, एचआरजी फ्यूज ओपन नहीं होगा। तो यही हमको फायदा मिल जाता है, हमारा जो नॉर्मल फ्यूज होता है वो हमारे छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल जर्क से भी ओपन हो जाता है और ये हमको काफी ज्यादा मुसीबत पैदा करता है, ये बार बार हमारे सिस्टम को रोक देता है। पर हमारा जो एचआरजी फ्यूज होता है ये हमारे छोटे छोटे माइनर से जो इलेक्ट्रिकल जर्क आते हैं उस समय हमारे सर्किट को होल्ड करके रखता है, लेकिन अगर हमारा उपकरण काफी समय तक ज्यादा करंट ले रहा है तो उस समय हमारा जो एचआरजी फ्यूज है वो एचआरजी फ्यूज भी ओपन हो जाएगा। तो यही इन दोनों के बीच में मुख्य डिफरेंस होता है एचआरजी फ्यूज और नॉर्मल फ्यूज में। अब दोस्तों आखिरी में हमारे सिर्फ 2 क्वेश्चन और बचते हैं, इन दोनों क्वेश्चन को हम सिर्फ 1 मिनट के अंदर समझ लेते हैं। पांचवा सवाल है कि हम जो इलेक्ट्रिकल बल्ब को उपयोग में लेते हैं उसके अंदर हमारा कौन सा फिलामेंट मतलब कौन से तार का उपयोग लिया जाता है, उसका क्या नाम है। तो दोस्तों हमारे बल्ब के अंदर जो फिलामेंट तार उपयोग में लिया जाता है वो होता है हमारा टंगस्टन वायर। और इसके बाद में हमारा आखिरी और छठा सवाल है कि इलेक्ट्रिकल हीटर के अंदर हमारे कौन से फिलामेंट का उपयोग लिया जाता है। तो दोस्तों इसका जवाब है हमारे नाइक्रोम के वायर का, हम इलेक्ट्रिकल हीटर में उपयोग में लेते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ आपसे इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट भी पूछा जा सकता है कि आखिर हम इस वायर को क्यों उपयोग में ले रहे हैं, हम यहाँ पे कॉपर या फिर एल्यूमिनियम के वायर को उपयोग में क्यों नहीं लेते हैं। तो दोस्तों उस समय आपको बोलना है कि हमारा जो टंगस्टन वायर होता है या फिर नाइक्रोम वायर होता है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये जो टंगस्टन वायर है अगर मैं इसको गर्म करूंगा तो ये जल्दी से पिघलेंगे नहीं, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है इसका जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा होता है। अगर हम टंगस्टन वायर की बात करें जो कि बल्ब में उपयोग लिया जाता है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 3400 डिग्री सेल्सियस, मतलब 3400 डिग्री सेल्सियस जब तक टेम्परेचर नहीं जाएगा ये हमारा टंगस्टन वायर पिघलेगा नहीं, तो ये काफी अच्छी बात है। इसके बाद में हम नाइक्रोम जो कि इलेक्ट्रिकल हीटर में उपयोग लिया जाता है इसकी बात करें तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 1400 डिग्री सेल्सियस। लेकिन दोस्तों आपको बेसिक नॉलेज में कॉपर और एल्यूमिनियम का भी मेल्टिंग पॉइंट पता होना चाहिए। तो कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट करीब 1050 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, जबकि एल्यूमिनियम की बात करें तो ये हमारा 600 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही होता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज का आपको यह पार्ट 2 काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आप पार्ट 3 भी चाहते हैं इस वीडियो का तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ साथ दोस्तों अगर आपके भी कोई भी क्वेश्चन है जो कि आपसे इंटरव्यू में पूछे गए थे और आपको लगता है सभी को पता होना चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आपको आज की मेरी यह मेहनत यह वीडियो कैसी लगी इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति इलेक्ट्रिकल जुड़ा था आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की वीडियो अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।